नमस्कार दोस्तों, टाटा मोटर्स शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 4% के क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे गैप डाउन के साथ में एक छोटा सा रेड कैंडल आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर काफ़ी समय तक आप देख सकते हो, काफ़ी समय तक रेंज बना रहा था, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार भयंकर गिरावट आपको देखने को मिला है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या और भी गिरेगा या स्टॉक में फिर से बाउंस आ सकता है, क्या कंडीशन बन सकते हैं, आइए डिटेल में समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों नोटिस कर सकते हो, टाटा मोटर शेयर स्टॉक आपको क्लियर है कि हायर रहे का कंडीशन बनाए के ऊपर बढ़ रहा था और अपना प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको हिट करके ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था। यहाँ पर देखेंगे 1067 का एक लेवल था, इसको भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ने हाई लगाया 1180 को और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक एग्जैक्टली 912 रुपये को इसने सपोर्ट बनाया, ऑलमोस्ट देख सकते हो राइट। अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को नोटिस करते हैं तो आप देखेंगे स्टॉक किस तरीके से यहाँ पे नीचे 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 आ रहा है और अभी जैसे अपना सपोर्ट लेवल के पास में है, अगर इसको ब्रेकडाउन करें तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देगा 854 रुपये का और उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर 784 और ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई देगा यहाँ पर 1000 का और आप इस तरीके से सेक्टर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप इसको इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है रिसेंटली अभी भी बना है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो ये वाला ट्रेल लाइन को, ठीक है ध्यान रखना। तो यहाँ पे सभी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी अपडेट्स रहेगा हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ में अपडेट करते रहेंगे। और अभी आज की ट्रेडिंग सेशन में देखें तो सपोर्ट लेवल भी इसने ब्रेकडाउन कर दिया जहाँ पे स्टॉक काफ़ी समय तक सपोर्ट ले रहा था, लेकिन एक वीकनेस का सिग्नल भी हमें देखने को मिल चुका है। तो स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाएगा, इस वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।